दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। नियर चौक के भंगरोटू क्षेत्र में वहाँ हमारा एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। ये कोविड के लिए स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है। इसमें 90 बेड्स की उसकी क्षमता रहेगी और सारे बेड्स जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई के साथ रहेंगे, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन के सप्लाई के साथ। ये कार्य बिल्कुल अंतिम चरण में है और एक आध दिन में ये कार्य इसका जो है पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात उसकी टेस्टिंग की जाएगी, पूरी ऑक्सीजन फ्लो की टेस्टिंग की जाएगी और साथ ही साथ जो मेडिकल टीम्स हैं वो भी अपनी टेस्टिंग करेंगी और इमीडिएटली उसके बाद इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। ये हमारे लिए एक बड़ा हेल्प साबित होगा क्योंकि ये सभी सेंट्रलाइज ऑक्सीजन के माध्यम से बेड्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें कि ICU फैसिलिटी भी उपलब्ध रहेगी। तो यहाँ की जिला में तथा अगल बगल के जिलों के लिए भी नियर चौक की जो पूरी फैसिलिटी है उसको ऑगमेंट करने के लिए ये व्यवस्था हमारे पास तैयार रहेगी और जो बढ़ते हुए केसेस हमारे पास आ रहे हैं उन सब के लिए हम ऑक्सीजन बेड्स तथा ICU की भी जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकेंगे। जो हमारे विभिन्न ये हॉस्पिटल हैं नियर चौक को मिला के साथ में जो 3 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर हैं, इसके अलावा ये जो केसेस की बढ़ती हुई संख्या है इनको देखते हुए हमने 3 फैसिलिटीज और तैयार कर दी हैं, जिसमें से कि एक सिविल हॉस्पिटल करसोग में 10 बिस्तरों का एक वार्ड हमने बना दिया है। सिविल हॉस्पिटल सरका घाट में भी 10 बिस्तर का एक वार्ड बना दिया है और जोगेंद्र नगर में भी इतनी ही क्षमता का एक वार्ड हमने तैयार कर दिया है और ये सभी वार्ड ऑक्सीजन युक्त हैं। ये एक तरह से नोटिफाइड कोविड केयर सेंटर नहीं है, ये एक तरह से ट्रांजिट स्टेशन होंगे कि जैसे अगर कोई रोगी गंभीर अवस्था में इन अस्पतालों में आता है जोगेंद्र नगर, सरका घाट और करसोग में, तो उसको बिस्तर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए और जो आवश्यक इलाज है उसको वहां पर मिल जाए, या एक रात वहां रुकना भी पड़ जाए तो उसके बाद उसको उसके हमारे जो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर सुंदरनगर रत्ती में है और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नियर चौक में है वहां पर भेज दिया जाए। तो ये हमारी एक पिछले 2-3 दिनों में एक जो हमारी तैयारियां चली हैं उसके अतिरिक्त ये एक और तैयारी है। इससे भी हमारे रोगियों को उपचार मिलने में और ऑक्सीजन युक्त बिस्तर मिलने में और अधिक सुविधाएं प्राप्त होगी, जिससे कि हमारा जो प्रिपेयर्डनेस है, तैयारी है, वो और ज्यादा हमारी स्ट्रेंथन हो चुकी है।